नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी के एक नए कैबिनेट के बारे में, जो कि आपका ड्यूल टेम्पर्ड ग्लास है। इसमें फ्रंट में टेम्पर्ड ग्लास है, आपका साइड में टेम्पर्ड ग्लास है। ये वो कैबिनेट है, ये हमारा जो कैबिनेट है, आपको अगर आपने अगर देखा होगा तो अभी हमारे प्रमोशन में भी सेकेंड प्राइस पे अवेलेबल है। ये लिमिटेड एडिशन मॉडल्स में से है, तो इसलिए इसको मैंने प्राइस में ऑफर किया है। तो आज हम इसकी इसमें वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर जब आपको ये गिफ्ट में मिलेगा तो आपको इसके साथ साथ क्या क्या मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि अगर आप ये प्राइज जीतना चाहते हैं तो आप उसको आप अपने फीचर्स और वगैरह मैच कर सकें कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे जब आपको ये कैबिनेट मिलेगी तो आपको इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कैबिनेट है वो AIGO ब्रांड है उसकी है, और ये अभी हमने मंगवाई थी। तो और बाकी आपको पता ही है कि ये जो आपको प्रोडक्ट है, ये वाली एक ही कैबिनेट है, और ये हम लोगों ने अपने जो भी प्रमोशन चल रहा है हमारा यूट्यूब के ऊपर, उसके लिए उसमें हमने ये सेकंड प्राइस में रखे, तो इसलिए आज हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये आप देख ही सकते हैं कि इसकी जो प्रोटेक्शन के लिए इसके दोनों साइड EPA पैकिंग की गई है, जिससे कि इसके ग्लास को किसी तरह का ब्रेकेज वगैरह ना हो ट्रांसपोर्टेशन में। ये हमारी कैबिनेट है, ये इसका फ्रंट है, फ्रंट में ये एक टेम्पर्ड ग्लास है और एक ये साइड में आपका टेम्पर्ड ग्लास इसमें दिया गया है। और साइज आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा साइज है। साइज की बात करें तो एक अच्छी हाइट वगैरह दी गई है और कॉम्पैक्ट स्टेज में है। तो हम इसके साइड टेम्पर्ड ग्लास को ओपन करते हैं। ये आप देख ही सकते हैं कि इसके ये आपके रबड़ माउंटिंग स्क्रू दिए गए हैं, स्क्रू के अंदर भी रबड़ लगे हुए, जिससे कि झटके में किसी तरह की ब्रेकेज वगैरह ना हो, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए दिया गया है। ये आपका इसका साइड का टेम्पर्ड ग्लास है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये आपकी थैली लगी हुई है, जिससे कि इस पर किसी तरह के स्क्रैच नहीं आए। बाकी आप इसको अपना ईजीली क्लीन कर सकते हैं, आप किसी भी साफ़ कपड़े से क्लॉथ से इसको क्लीन कर सकते हैं, आपका इजीली क्लीन हो जाएगा। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर चार फैन आपको दिए गए हैं, चार फैन में से दो आपके LED फैन हैं और दो आपके नॉर्मल फैन हैं। साइज चारों का 120 mm है, और आपको पहले से ही इसके अंदर चार फैन दिए गए हैं। ये इसके स्क्रूज का पैकेट है, हम देखते हैं स्क्रूज में हमें क्या क्या दिया गया है। ये इसके अंदर कुछ टाई दी गई हैं, सबसे पहले ये टाई दी गई हैं, जो कि आप अपने केबल मैनेजमेंट या किसी तरह के वायर को स्टक करने के लिए, बांधने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा ब्लेड्स दिए गए हैं, जो कि आप जब अपने ये यहाँ पे अपने कार्ड वगैरह फिट करेंगे और जो यूजफुल ना रहे उनमें आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, ये एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ये आपके इसके स्क्रूज दिए गए हैं, स्क्रूज में इसमें आपके लॉन्ग स्क्रूज हैं,
शॉर्ट स्क्रूज हैं और ये लॉन्ग आपके फैन के स्क्रूज भी दिए गए हैं जो कि आप अपने फैन को पीएसी ट्यूब के ऊपर यूज कर सकते हैं या वाटर कूलर में यूज कर सकते हैं। इसमें आपके लगभग लगभग सभी तरह के फैनों को दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो इसके अगर केबल्स की बात करें तो ये आपके इसकी केबल है। एक इसमें 3.0 दिया गया आपका, दो 2.0 है और एक आपका HD ऑडियो का दिया गया है। और ये आपके हार्ड डिस्क LED और पावर LED और रिस्टार्ट के लिए और पावर स्टार्ट के लिए बटन के लिए दिए गए हैं। आप केबल की क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसके अंदर बिल्ड की गई है। हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखें तो इसके अंदर मदरबोर्ड का जो साइज है बहुत ही अच्छा है। आप इसके अंदर ATX मदरबोर्ड, IATX मदरबोर्ड, माइक्रो ATX मदरबोर्ड, MATX मदरबोर्ड फिट कर सकते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छा है इसके अंदर दिया गया। इसके अंदर आप यहाँ पे दो SSD इस जगह पे फिट कर सकते हैं। एक SSD के लिए यहाँ भी इसमें एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है, आप बैक साइड से SSD फिट कर सकते हैं इसमें। और हम इसके बॉटम की बात करें तो बॉटम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना एक फैन इंस्टॉल कर सकते हैं इस साइड पे। ये आपका टॉप पैनल है, टॉप पैनल में आपका एक 120mm के फैन का स्पेस दिया गया है और एक आपका डस्ट मैग्नेटिक डस्ट कवर भी इसके साथ दिया गया है। ये आपका यहाँ पे एक पावर का बटन दिया गया और एक ये रिस्टार्ट का बटन आपका इसमें दिया गया। फ्रंट पैनल की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसमें एक 3.0, दो 2.0 और ये आपका HD ऑडियो के स्लॉट फ्रंट में दिए गए हैं जिससे आप इसको ईजिली यूज कर सकें। ये आपका टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है। और अब हम इसको बैक साइड की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ैन का स्लॉट दिया गया है लेकिन फ़ैन प्री इंस्टॉल है तो आपको बस इसकी अगर सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको एयर अंदर लेनी है या बाहर निकालनी है, उस तरीके से आप फ़ैन भी अपने हिसाब से मॉड्यूल कर सकते हैं, मीन्स उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपके 7 एक्सपेंशन स्लॉट दिए गए हैं। PSU का माउंट आपका नीचे की तरफ है, बॉटम माउंटेड PSU है। हम इसका बैक साइड पैनल खोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप 3 SSDs के अंदर फिक्स कर सकते हैं, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे SSD आप फिट कर सकते हैं। ये 3 आपके SSD के लिए स्लॉट है और यहाँ पे आप दो अपनी 3.5 इंच हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये आपका PSU के लिए भी इसमें अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। केबल मैनेजमेंट के लिए भी एक अच्छा सेटअप बनाया गया। वाटर कूलर भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, वाटर कूलर का भी सेटअप अच्छा है। अब हम बात करें इसमें एयर फ्लो की, तो अगर हम फ्रंट पैनल में एयर फ्लो की बात करें तो आप ये देख सकते हैं ये आपके साइड में स्पेस बना हुआ है। तो ये स्पेस जो है वो सारा का सारा एयर के लिए है और ये दूसरी साइड भी है जिससे कि आपके कैबिनेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अंदर ले सके। नीचे रेयर की बात करें तो रेयर में आपका ये 4 आपके स्टैंड दिए गए हैं, इसके ऊपर आपकी फोम भी लगी हुई है जिससे कि आपकी कैबिनेट में किसी तरह की वाइब्रेशन नहीं हो। नीचे भी एयर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा स्पेस दिया गया है। आप PSU जो इंस्टॉल करेंगे तो ये आपकी एयर में सपोर्ट करेगा। और बाकी इसमें कैबिनेट के अंदर अच्छा सेटअप है, हर चीज़ के लिए स्पेस दिया गया है जो आप भी इंस्टॉल करना चाहते हैं। और ये आपका इस कैबिनेट की अनबॉक्सिंग थी। अगर आपको एक वीडियो या कैबिनेट अच्छी लगी हो तो आप इसके लिए हमारे लिए कमेंटमेंट और लाइक ज़रूर दें। और आपको हमारे प्रोडक्ट अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो तो आप मेरे से कमेंटमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जिससे कि अगर कोई टॉपिक मेरा या कोई पॉइंट इस वीडियो के अनबॉक्सिंग में छूट गया हो तो आप मेरे से वहाँ पर क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने